उत्तर प्रदेश चयन आयोग का परीक्षा जनपद में 30 केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि परीक्षा में 14,080 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन कुल 6,303 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में शामिल हुए। इस तरह 7,777 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसके संबंध में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था, प्रश्न बहुत सरल थे, 2019 की तुलना में इस साल बहुत ही अच्छा परीक्षा हुआ है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अच्छी व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश चयन आयोग की परीक्षा देने आए अभ्यर्थी पंचम कुमार भारती और विनीत ने कहा, मेरा विनीत नाम है। आज सिविल इंजीनियरिंग अभियंता का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे और पिछले बार की तुलना में 2019 की तुलना में बहुत अच्छा पेपर हुआ है, बहुत अच्छा व्यवस्था थी। पंचम कुमार भारती, कंबाइंड स्टेट इंजीनियर का पेपर था। कैसा पेपर गया था? ठीक ही गया। किस तरह के क्वेश्चन आए? लगभग ठीक ही आए थे। व्यवस्था किस तरह की गई? हाँ, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था किस तरह की? अच्छी थी।